नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब जी। आज का जो मुकाबला है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। बेहतरीन इसीलिए होने वाला है क्योंकि जी हाँ, पिछला 4 मैच में मुंबई इंडियंस को हार मिली है और मुंबई इंडियंस आज अपना पहला जीत तलाशेगी। उधर पंजाब किंग्स जी हाँ, अच्छी फॉर्म में है, 2 मैच जीती है, 2 मैच हारी है 4 मैचों में से, और मुंबई इंडियंस पिछला 4 मैच लगातार हारी है। चलिए, क्या जीत होगी, कैसे जीत होगी, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे और आज की टीम में कौन कौन से प्लेइंग 11 खेल सकते हैं जी हाँ दोनों टीमों में, और जीत कैसे मिल सकती है पूरी डिटेल देते हैं जी हाँ। कहीं ना कहीं अगर पड़रा के बारे में बात की जाए तो पंजाब किंग्स पे जी हाँ मुंबई इंडियंस का पड़रा भारी है जी हाँ। अगर आईपीएल में बात की जाए तो मुंबई इंडियंस को ज्यादा जीत मिली। अगर हेड टू हेड के बारे में बात करें, पंजाब किंग्स कहीं ना कहीं थोड़ी फीकी नजर आती है, लेकिन आईपीएल 2022 के बारे में अगर बात करें तो पंजाब किंग्स काफी अच्छी फॉर्म में है, काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है जी हाँ, बहुत अच्छा खेल दिखा रही है। शिखर धवन, लैम लिंगस्टन जी हाँ, ये सब अच्छे बल्लेबाज हैं पंजाब किंग्स के, और जॉनी बैरिस्टो भी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। साथ में गेंदबाजी के तौर पर कागिसो रबाडा, जो राहुल चहर जो अपनी भूमिका मुंबई इंडियंस में 4 चांद लगाते थे, वो राहुल चहर जी हाँ पंजाब किंग्स के तरफ से खेल रहे हैं और राहुल चहर जी हाँ अच्छी गेंदबाजी करते हैं। चलिए बात करते हैं कि क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमों की हो सकती है जी हाँ। तो चलिए सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बात करते हैं। मुंबई इंडियंस की तरफ से आपको ईशान किशन विकेट कीपर है, रोहित शर्मा कैप्टन है, साथ में अगर बात करें डेवाल्ड वेरिस, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, कैरन पोलार्ड, फेवन अलन, मुर्गन अश्विन, जसप्रीत बुमराह और जयदेव उनादकट जी हाँ, जयदेव उनादकट और साथ में बसिल थम्पी, ये आपको प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है मुंबई इंडियंस की। रही बात जोफ्रा आर्चर की, तो जोफ्रा आर्चर क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर तो भाई बहुत ही मज़ेदार गेंदबाज हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन चोटिल हैं जी हाँ, वो चोटिल हैं, चोट के कारण बाहर हैं, जिसके कारण मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं है। अगर जोफ्रा आर्चर शामिल होते तो गेंदबाजी की भूमिका अलग ही होती, क्योंकि पिछले साल बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज थे, ट्रेंट बोल्ट थे, लेकिन ट्रेंट बोल्ट भी जी हाँ दूसरी टीम में जा चुके हैं, ट्रेंट बोल्ट भी अब इस टीम में नहीं है, ट्रेड बोल्ट भी दूसरी टीम में जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं नुकसान थोड़ा हुआ है मुंबई इंडियंस का। लेकिन ये प्लेइंग 11 हो सकती है मुंबई इंडियंस की। ईशान किशन अच्छे फॉर्म में है, रोहित शर्मा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, साथ में सूर्य कुमार यादव तो बेहतरीन बल्लेबाज करते ही। गेंदबाजी के बारे में बात करें तो जसप्रीत बुमराह है, जवदेव युनाटकर हैं, बासिल थम्पी हैं, मुर्गन अश्विन हैं, ये सब अच्छे गेंदबाज हैं। किरण पोलार्ड बल्लेबाजी भी अच्छा करते हैं, गेंदबाजी भी अच्छा करते हैं। अब बात करते हैं जी हाँ पंजाब किंग्स की। पंजाब किंग्स की तरफ से आपको मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, जॉनी बैरिस्टो, लैम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, शाहरुख खान, ऑर्डन स्मिथ, कागिसो रबाडा, राहुल चहर, अर्शदीप सिंह, वैभव अरोला जी हाँ, ये आपको देखने को प्लेइंग 11 मिल सकती है पंजाब किंग्स की। यहाँ पंजाब किंग्स की भी जो प्लेइंग 11 है वो बहुत ही जबरदस्त है जी हाँ। अगर पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 जो है वो बहुत जबरदस्त, क्योंकि मयंक अग्रवाल अच्छी बल्लेबाजी हैं इस साल, वैसे उतना अच्छा फॉर्म इनका दिखा नहीं, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। शिखर धवन फॉर्म में है, जॉनी बैरिस्टो भी फॉर्म में है, लैम लिविंगस्टन भी फॉर्म में है, और साथ में गेंदबाजी में तो कागिसो रबाडा है ही और राहुल चहर भी हैं, और ये अच्छे गेंदबाज हैं जी हाँ। मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 अच्छी है और साथ में पंजाब किंग्स भी प्लेइंग 11 अच्छी है, लेकिन आज जी हाँ मुंबई इंडियंस पहली जीत तलाश सकती है और आज मुंबई इंडियंस को पहली जीत मिल सकती है। तो आप लोग जरूर कमेंट कर बताएं कि आपको क्या लगता है आज के दिन कौन सी टीम जीतेगी। मैं फिर मिलूंगा आप लोग से दूसरी वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।